हेलो फ्रेंड्स, किड्स अपेक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू की फिंगर। तो ये एक न्यू तरह की फिंगर है, आप देखिएगा जरूर पूरा वॉच करके कि किस तरह से बनाया है और कितनी टेस्टी बनी हुई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और कमेंट तो जरूर ही करिएगा। तो चलिए आज चलिए हम बनाते हैं इसको कि किस तरह से बनाना है आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू का एक नया नाश्ता जो आलू से बनेगा स्नैक्स वगैरह। तो आलूओं को ये मैंने छोटे छोटे हैं, अगर आप चाहे तो बड़े आलू ले सकते हैं। इसको हमने उबाल लिए हैं और इसको फॉक से या आपके पास मैसर हो जिससे हो, इस तरह से आप इसको फोड़ लेंगे। इस तरह से आप मैश कर लेंगे इसको। अगर नहीं होता है तो आप हाथ से मैश कर लीजिए। अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आलूओं को मैश कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हम डालते हैं डालेंगे 2 चम्मच अरारोट, 2 चम्मच और इसमें नमक भी डाल लीजिए, थोड़ा सा हम नमक डाल लेते हैं इसमें। स्वाद अनुसार नमक, इसको मिला लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है, जो मैंने अरारोट इसमें डाला था अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब चलते हैं इसको, थोड़ा सा हम हाथ में ऑयल लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने बनाया था आलू का, तो ये पूरी तरह रेडी हो चुका है। अब इसमें हाथ में चपके ना, इसलिए थोड़ा सा अगर हाथ में आप ऑयल लगा लेंगे तो सही अच्छा रहेगा, इससे हाथ में चपकेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, तो इस तरह से आप ऑयल लगा लीजिए अच्छे से। और जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे आप बना रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको रख दीजिए इस तरह से, और प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा आप छिड़क लीजिए और इसको इस तरह से अच्छे से रोल बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से बना लिया। इसको बना के एक तरफ आप रखते रहिए। इसको भी हम इसी तरह से थोड़ा कर लेते हैं, इस तरह से रेडी कर लीजिए। ये देखिए ऐसे बन गए। इसको भी एक तरफ साइड से हटा लीजिए और फिर आप थोड़ा सा और ले लीजिए। ये देखिए प्लेटफॉर्म पे आपको मैदा डालना रहना है, तो आप इसको क्या होगा, ये चपक जाएगा। तो इस तरह से आप बनाते रहिए। ये देखिए अच्छे से बन गया है। इस तरह से आप सारे बना लीजिए। चलिए हम सारे बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बना के रख लिए हैं, अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्राई करने के लिए तेल गर्म हो चुका है और ये सब हम एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से आप डाल दीजिए सारे। आराम से डालते रहिएगा और पहले तेल को गरम करना है, काफी गरम हो जाए, उसके बाद आंच को मीडियम कर देना है जिससे कि अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक। चलिए हम सारे डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे इसमें डाल लिए हैं और ये मीडियम आंच में इनको पकने देना है आपको, और धीरे धीरे से ऐसे ऐसे इसको हिलाते रहिए जिससे कि ये आपस में चपके नहीं। ये देखिए
तरह से आप चलाते रहिए तो ये लट लट के सब जगह से सिक जाएंगे, अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। इनको गोल्डन होने तक इनको पका लेना है आपको। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए कुछ न्यू न्यू रेसिपी लाते रहेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये थोड़े थोड़े देखिए कलर इनका थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, ये देखिए। तो चलिए इनको थोड़ा सा गोल्डन हो जाने तक पकने देना है। तो ये देखिए गोल्डन हो गए हैं, ये देखिए अच्छे से गोल्डन, ये देखिए। और अलट पलट के जो आपको लगे कि थोड़े वैसे तो उनको थोड़ा अलट पलट के आप सेक लीजिए और देखिए कितने अच्छे कलर आए हुए हैं, ये देखिए अच्छे से ये गोल्डन हो चुके हैं। अभी नए हम निकाल लेते हैं। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इन्हें हम धीरे धीरे करके सारे निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लें फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बनके रेडी हो चुके हैं और कितने क्रिस्पी, आपको आवाज देखिए अच्छे से बन गए हैं ये, और एकदम जैसे कुरकुरे नहीं होते हैं उस तरह के लग रहे हैं। और आप चाहें तो इसको केचप के साथ जैसे भी चाहें उसको खा सकते हैं, अगर चाहें तो ऊपर से इसको मैगी मसाला थोड़ा सा डाल के ऊपर से इसको सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, और देखिए कितना क्रंची बना हुआ है। इस तरह की आपको रेसिपी, अगर हमारी रेसिपी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम बनाएंगे आपके लिए न्यू कोई अच्छी सी रेसिपी, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।